My name is Sheikh Raisha Tabassum. I'm the state secretary of Bharatiya Janata Yuva Morcha, Delhi Pradesh. So you are part and parcel of this bike rally? Exactly, I'm a part and parcel of this bike rally. When you have reached Srinagar? Hum log kal pahunche, we reached Srinagar yesterday. Okay. Yeah, and today we are going to start flag off this bike rally under the able leadership of our national president Tejaswi Surya ji. Okay. How is your feeling right now? Really patriotic, very nationalistic and very amazing. Lovely feeling. The air is very clear, you know, the situation is going to be now smooth. What's your take on this? Of course. What is happening now should have happened very before. And the people of Kashmir, they are so good, so lovely. I'm coming here for the first time. I'm staying here and experiencing your food, your culture, interacting with the local people. It is a lovely experience, sir. Thank you. Thank you. हमने परिचय दिया मित्रों, चाहे वो कारगिल के अंदर भारत का भारत की भूमि को घुसपैठियों से निकालते हुए जिन्होंने अपनी शहादत दी, एक एक उस भारत की सेना के जा भारत सिपाही माँ भारती के उन बेटों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज इतिहासिक दिन है, ये हमें याद कराता है कि भारत सदा से सदियों से शांति की भूमि है। हमने कभी किसी पे हमला नहीं किया, हमने कभी घुसपैठ नहीं की, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमने वीरता का भी सबूत दिया है। कारगिल की चंपा चंपा भूमि, द्रास की चंपा चंपा भूमि इस बात की गवाह है कि भारत का बेटा चाहे कर्नाटक से आया हो, चाहे वो तेलंगाना से आया हो, चाहे वो लक्षद्वीप से आया हो और चाहे वो पंजाब से आया हो, जम्मू कश्मीर से आया हो, यहाँ की इंच इंच भूमि, पग पग भूमि हमारी मातृभूमि है और उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए हम अपना सब कुछ निछावर करेंगे। महबूबा जी को कहना चाहता हूँ, महबूबा जी आइए, लाल चौक आइए, श्रीनगर में आइए, आपको श्रीनगर के हर चौराहे पर तिरंगा 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 दिख रहा है, हर हाथ में तिरंगा दिख रहा है और हर कंठ के अंदर भारत माता की जय घोष है। मेरे मित्रों,
महबूबा जी तक आवाज जाए, महबूबा जी को समझ आए, फारूक अब्दुल्ला साहब को समझ आए, जो कहते थे 370-35 से टूट नहीं सकता, मोदी तीन बार पैदा हो तो भी तोड़ नहीं सकता। मैं फारूक अब्दुल्ला साहब और महबूबा जी को कहता हूँ, एक ही जन्म में, एक ही झटके में 370 को भी समाप्त किया है। तो मेरे साथ उन गूंगे बहरे कानों को आवाज पहुंचाइए कि भारत एक है, भारत की एकता अखंडता के लिए यहाँ के नौजवान अपनी मातृभूमि जिन्होंने सात दशक तीन परिवार ने इसके बाद भेजने लगे मैं यही हूँ के बाद और नेहरू एंड सन्स, वो आज भी लूटने की तैयारी में है, उपकार गठबंधन बना, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता अब उन्हें स्वीकार नहीं करती। आज की ये मोटरसाइकिल रैली नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए देश के नौजवान निकले हैं, शक्तिशाली भारत बनाने के लिए, समृद्ध भारत बनाने के लिए। जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, जम्मू के नौजवान भी उनके साथ है, कश्मीर के नौजवान भी उनके साथ है। बांडीपुरा से भी है, श्रीनगर से भी है, बारामूला में से भी है, अनंतनाग से भी, और ये बड़गाम से भी, ये सभी आज कारगिल जा रहे हैं। कारगिल की वो वीरों की भूमि जहां भारत के बेटों ने अपनी शहादत दी, अपना रक्त दिया, लेकिन एक इंच भूमि भी भारत की पाकिस्तान को नहीं दी। ये उस भूमि को चूमने के लिए जा रहे हैं। तुरंत ही शहीदों की मिट्टी लेके आए, जगह जगह से कारगिल के वीर शहीदों के परिवारों से मिट्टी लेके आए, ये मिट्टी देश भर के उन शहीदों की मिट्टी और यहाँ कारगिल की वो शहीदी मिट्टी आज मिलने वाली है, संगम का दिन। तो जी ये बताएं, तुरंत जी ऐसे दिन नहीं मनाए जाते थे, क्या कारण है कि वो नहीं मनाते हैं? कांग्रेस के ऐसा है कि मैंने तो पहले कहा, जिनके लिए जम्मू कश्मीर सेवा की धरती नहीं, जिनके लिए ये एक इंडस्ट्री है, जिन तीन परिवारों ने सत्ता में आकर यहाँ को लूटने का ही प्रयास किया, आप देखिए 70 सालों में कश्मीर आगे नहीं बढ़ पाया,
लेकिन ये तीन परिवारों की संपत्ति कई गुना बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई। तरुण जी मुझे बताए, यहाँ मुरली मनोहर साहब भी आए थे तिरंगा के लिए, मोदी साहब भी, लेकिन आप कामयाब नहीं हुए थे। आज बताए 30 सालों में कश्मीर में क्या बदला है कि आपने ये रैली? ऐसा है कि कश्मीर में तब भी हम एकता यात्रा लेके आए थे, आज भी हमारा हेतु एकता है। लोगों को समझ आया कि तीन परिवारों ने झूठ बोला, लोगों को समझ आया है कि कुछ लोग यहाँ की जनता से झूठ बोलते रहे, रॉन्ग नरेटिव क्रिएट करते रहे। आज कश्मीर के हर जिले से लोग आए, बांडीपुरा से आए, बारामूला से आए, अनंतनाग से आए, जम्मू से आए, भारत के हर प्रांत से आए, उरी से आए, और ये सभी इकट्ठे होकर जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, भारत को आगे ले जाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े हैं। और ये करगिल जाएंगे, शहीदों की माटी को माथे पे लगाएंगे और ये यात्रा को संपन्न करेंगे। महबूब मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी यहां इंपोज कर रही है नेशनलिज्म को पैटेंट। ऐसा है कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक में राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी। ऐसा है कि जिन लोगों ने लूटा है, महबूबा जी आपने लूटा है, इसलिए आप ऐसे रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हर बशिंदे के अंदर हिंदुस्तान के लिए, तिरंगे के लिए उतना ही प्रेम है जितना कर्नाटका के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, पंजाब के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर आम नागरिक में है। केवल व केवल ये झूठ बोलने वाले नेता, जिनके सपनों में कभी चाइना आता है, कभी पाकिस्तान आता है, वो जम्मू कश्मीर का गलत चित्रण पेश करते हैं। जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के मन में तिरंगा है, मन में तिरंगा है, उमंग में तिरंगा है, जीवन में तिरंगा है, भारत है, भारत माता है। जबरदस्त ये जश्न आजादी का 75वां साल लाल चौक से शुरू हुआ है कश्मीर के, और यहाँ आपने देखा कि कितना बड़ा जबरदस्त जश्न आज कश्मीर के श्रीनगर शहर के लाल चौक में, तिरंगे ही तिरंगे, और भारतीय जनता पार्टी की रैली में जो जन सैलाब और जन समंदर उमड़ा है वो देखते ही बनता है।